परमिशन के साथ हल्ला उल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाए जाएंगे सभी त्यौहार। जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में हुआ निर्णय। नमस्कार, मैं हूं रोहित बैरागी और आप देख रहे हैं टॉप डिजिटल न्यूज़ चैनल MP7 News। आप MP7 News चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सिलेक्ट करें। नीमच, आगामी त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए गुरुवार शाम कलेक्टर कार्यालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर मयंक अग्रवाल, अतिरिक्त कलेक्टर नेहा मीणा, पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह गणेश, SDM डॉक्टर ममता खेड़े, तहसीलदार, तीनों थाना प्रभारी एवं जिला स्तरीय शांति समिति के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सदस्यों ने त्यौहार को मनाने के लिए अपने अपने सुझाव प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किए, जिसे सुनते ही प्रशासन ने SP सूरज कुमार वर्मा ने कहा कि आगामी त्यौहार पर जितने भी बड़े आयोजन होने हैं उनको लेकर परमिशन लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही चल समारोह, जुलूस व जलसे के लिए आयोजन कार्यकर्ताओं को अपने अपने वॉलंटियर भी नियुक्त करने होंगे, जिनकी सूची पुलिस विभाग एवं प्रशासन को देना अनिवार्य होगी, ताकि वह लोग भी प्रशासन का सहयोग कर सके। आगामी त्यौहार शांति और सुधार के साथ बने, उसके लिए शांति समिति बैठक के सदस्यों ने प्रशासन का सहयोग करें। कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने बताया कि आज जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आगामी त्यौहार को लेकर की गई थी। सभी त्यौहार शांति और सौहार्द पूर्ण तरीके से मने और जो सुझाव आए हैं उन पर भी हम लोग काम करके बढ़े। आयोजन कब लेकर प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त COVID-19 का पालन भी करना होगा। नीमच जिलों की खबरों की जानकारी के लिए लॉगिन करें www.mp7news.in पर। देखते रहिए हमारे साथ MP7 News।